गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या कर रहे हैं, हमारा अमीनो एसिड कंप्लीट हो गया था कि अमीनो एसिड के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कि अमीनो एसिड कितने होते हैं, टोटल 20 होते हैं, ठीक है, जिसमें से 10 असेंशियल होते हैं, 10 नॉन असेंशियल होते हैं, ठीक है। असेंशियल जो होते हैं अमीनो एसिड, आपको नोट्स के अंदर असेंशियल अमीनो एसिड अलग से लिखे हुए मिल जाएंगे और नॉन असेंशियल अलग से लिखे हुए मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, सारे जो अमीनो एसिड है उनके स्ट्रक्चर याद करने हैं, ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरा हमने क्या कहा था कि जो अमीनो एसिड है ये इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया था, तीन टाइप में किया था। एक तो हम ये कर सकते हैं कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल, आवश्यक अमीनो एसिड और जो कि अति आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है वो, ये एक क्लासिफिकेशन हुआ। किसके आधार पर किया, ये उसकी अमीनो एसिड की उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। फिर एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, हमारी बॉडी में संश्लेषित नहीं होते हैं और हम डाइट के थ्रू उसे बाहर से लेते हैं, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें उसे डाइट के साथ लेना बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारे होते हैं कौन से, असेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। नॉन असेंशियल वाले जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर खुद से ही सिंथेसाइज हो जाते हैं, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो होंगे 10 आपके नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। दूसरा क्लासिफिकेशन हम करते हैं चार्ज के बेस पे कि कौन सा अमीनो एसिड एसिडिक है, कौन सा अमीनो एसिड बेसिक है, कौन सा अमीनो एसिड न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल कौन सा होगा, जहां पर आपके बेसिक और एसिडिक ग्रुप दोनों सेम हो, यानी एक एसिड हो एक बेस हो, एक कार्बोक्सिलिक समूह है एक एमीन समूह है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो आपका उदासीन अमीनो एसिड होगा, जैसे ग्लाइसिन, एलिनिन, वैलिन, ठीक है, ये सारे। इसके अलावा एसिडिक होंगे जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके एक से ज्यादा हो, जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और बेसिक कौन से होंगे, जहाँ पे एमीन ग्रुप एक से ज्यादा हो, लाइसिन, आर्जिनिन, इसके अंदर क्या होता है एमीन ग्रुप एक से ज्यादा होते हैं, तो वो हमारे कौन से होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड या क्षारीय अमीनो एसिड होते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, सारे अमीनो एसिड हो गए, उसका क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद में हमने क्या स्टार्ट किया था, ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कि ये ड्यूटेरायनिक फॉर्म के अंदर मिलते हैं, ड्यूटेरायन या इसे हिंदी में उभयनिष्ठ आयन भी बोलते हैं, ठीक है। ड्यूटेरायन का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल एक ही साथ दो पोल्स दिखाता है, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, ठीक है। यानी इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है अमीनो एसिड का वो ज्यादा होता है, दो पोल्स है, डिस्टेंस जो दोनों के बीच की ज्यादा है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होता है। अगर दोनों ही चार्ज प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो हमारा क्या होता है, ड्यूटेरायनिक फॉर्म होता है, ठीक है, उभयनिष्ठ आयन रूप होता है वो। तो अमीनो एसिड इस ड्यूटेरायनिक फॉर्म के अंदर मिलता है। तो ड्यूटेरायनिक फॉर्म जो होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे होता है, जहां पर बेसिक और एसिडिक दोनों ग्रुप होते हैं, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। अगर सेम है तो क्या होता है, उन अमीनो एसिड का मूवमेंट किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं होता। अगर हम उसे किसी भी सेल के अंदर रखें, इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करें, बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो, ठीक है, तो अगर हमारा मूवमेंट नहीं होता है अमीनो एसिड्स का, तो इसे हम क्या कहते हैं, या जो पोटेंशियल उस टाइम हम लगा रहे हैं उन अमीनो एसिड्स के ऊपर, वो हमारा क्या कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या सम विभव बिंदु, ठीक है, विभव का ऐसा बिंदु जहां पर आपके अमीनो एसिड जो है वो ना ही मूव करते हैं एनोड की तरफ, ना ही मूव करते हैं कैथोड की तरफ, वो हमारा क्या कहलाता है, सम विभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है, ठीक है। इसी के साथ आपने एक चीज और देखी थी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, वैद्युत कण संचलन क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमें सेपरेशन करना होता है अमीनो एसिड का, तो हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, उसके अंदर हम एक कंडक्टिव जेल लेते हैं, ठीक है, जेल के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, फिर उसके बाहर क्या लगा देते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी लगाएंगे तो क्या होगा, एक पोर्शन आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पोर्शन आपका उस प्लेट का नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आपके जो अमीनो एसिड्स है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो मूव कितना करेंगे, कितनी डिस्टेंस तक करेंगे, वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है, कितने अमाउंट में उसके ऊपर चार्ज है। जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा मूवमेंट करेगा, हमेशा अपोजिट वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके की तरफ ये मूव करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर सकते हैं अमीनो एसिड्स को। अमीनो एसिड को सेपरेट करने का एक और तरीका भी होता है, क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी कई टाइप की होती है, तो उसमें होता क्या है कि हम कलर के बेस पर, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, कलर के बेस पर हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं मॉलिक्यूल्स को। किस तरह से सेपरेट करेंगे,
जैसे अगर हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है कि हम क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होती है, एक स्टेशनरी फेज होती है और एक मोबाइल फेज होती है, ठीक है। डिटेल में हम कभी बाद में पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी को, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो चीजें होती है, एक स्टेशनरी फेज होती है जो कि क्या होती है, स्टेबल होती है एक जगह पे, ऐसी फेज जो कि स्टेबल हो जहां पर मूवमेंट नहीं हो। तो अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो उसमें जो जेल है हमारा वो क्या है, हमारी स्टेशनरी फेज है, जो कि जेल क्या है, सेमी सॉलिड है, हिलता नहीं अपनी जगह से, वो क्या है, स्टेशनरी फेज है। अगर हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो हमारे पास थिन लेयर का कोई भी एक फिल्म ले ले, कोई भी एक पेपर ले ले, तो वो हमारा क्या होगा, स्टेशनरी फेज होगा, क्योंकि पेपर है या थिन फिल्म है तो उसमें भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, सॉलिड है, एक जगह पे फिक्स है, ठीक है, वो स्टेशनरी फॉर्म। दूसरी फॉर्म होती है क्रोमेटोग्राफी के अंदर, वो होती है मोबाइल फेज, ठीक है। मोबाइल फेज क्या होती है, जो कि मूवमेंट शो करती है। अब मोबाइल फेज क्या होगी, जैसे आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो उसमें हमने क्या किया, एक इंजेक्शन के थ्रू या एक पाइपेट के थ्रू हमने एक मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड को डाला, ठीक है। वो जो मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड है वो मूव करता है किसके अंदर, जेल के अंदर, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड है यहाँ पे, जिसे हम किसी सोलवेंट के अंदर डिजोल्व करके यहाँ पे डालते हैं, वो जो है वो फेज हमारी क्या कहलाती है, मोबाइल फेज कहलाती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी क्या होता है कि आप जो पेपर लेते हो उसको हम क्या करते हैं, डिप करते हैं मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड में, ठीक है। हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं एक मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड का, वाटर में बना सकते हैं, ठीक है। अगर जल में बनाते हैं तो जल क्या होता है, अम्लीय नेचर का होता है, तो हमें ये जो आपका ब्यूटल आयन है वो किस फॉर्म में मिलेगा, धनायनिक फॉर्म में मिलेगा, कैटायनिक फॉर्म के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, थिन लेयर को या फिर हमारी जो पेपर है उसको हम डिप करके रखते हैं, तो क्या होगा, अब ये जो सॉल्वेंट था जिसके अंदर हमने मिक्सचर लिया अमीनो एसिड का, वो सॉल्वेंट जो है उस पेपर के ऊपर क्या होता है, ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है, ठीक है। जितना जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा या फिर उस पूरे सॉल्यूशन की जितनी कैपेसिटी होती है उस पेपर को एब्जॉर्ब करने की, उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस तक वो ऊपर तक जाता है, ठीक है। अलग अलग अमीनो एसिड की कैपेसिटी अलग अलग होती है क्योंकि उसके ऊपर अलग अलग चार्ज होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग डिस्टेंस तक मूव करेगा, तो वहां से हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेपरेशन की अमीनो एसिड का, हम सेपरेशन किस तरह से करें अगर हमें मिक्सचर मिलता है अमीनो एसिड का। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था अमीनो एसिड के अंदर कि अमीनो एसिड की रिएक्शन कौन कौन सी होती है, एमीन ग्रुप की रिएक्शन क्या होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन कौन सी होती है। अगर दोनों ग्रुप अगर रिएक्शन शो करते हैं तो जैसे हमने देखा था कि अल्फा अमीनो एसिड से क्या बनता है, गामा से क्या बनता है, डेल्टा से क्या बनता है, ठीक है। तो गामा से हमने लास्ट में क्या बनाया था, लैक्टम बनाया था, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, हीट इफेक्ट है। हीट इफेक्ट का मतलब क्या है कि हमने अल्फा अमीनो एसिड का मिक्सचर लिया, उसको हीट किया तो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बनता है, यानी यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। दो मॉलिक्यूल लेने पर आपस में रिएक्ट करते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। दूसरा हम क्या करते हैं कि अगर मान लिया जैसे गामा अमीनो अम्ल लिया, ठीक है, गामा अमीनो अम्ल जो है वो खुद के साथ ही रिएक्ट करता है, ठीक है। उसको जब हम हीट करते हैं तो वहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और आपके पास क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है। तो ये क्या थी, रिएक्शन थी अमीनो एसिड की। अब आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, पेप्टाइड, कि पेप्टाइड क्या होते हैं। ठीक है, तो पेप्टाइड्स क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, कंडेंस होते हैं, संघनित होते हैं, तो क्या होता है, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और आपके पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है, और उसके बीच में जो बंद बनता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बंद कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमने दो अमीनो एसिड लिए, एक हमने लिया ग्लाइसिन, ठीक है, एक अमीनो हमने कौन सा ले लिया, हमने ग्लाइसिन, और एक ले लिया हमने एलिनिन। दो अमीनो एसिड लिए,
इनकी जब आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने रिएक्शन पढ़ी थी उष्मीय प्रभाव जो पढ़ा था कि अल्फा अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ठीक है। किस तरह से निकलेगा, अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो क्या होता है कि एक जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, किस पे अटैक करता है, दूसरे वाले अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर, ठीक है। ये किस तरह से होगा, ऐसे, ठीक है। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो मैं सिर्फ इतनी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ कि ये बना O नेगेटिव, ठीक है, इसके ऊपर ये OH जुड़ा हुआ है और इधर ये जुड़ गया NH2 और इसके ऊपर आया क्या, प्लस चार्ज, क्योंकि इसने कितने बंद बना लिए, चार बॉन्ड बना लिए इसने, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये H+ बाहर निकलेगा, ठीक है, नाइट्रोजन का जो चार्ज है वो क्या होगा, हटेगा, ठीक है। और ये H+ जाके कहाँ पे जुड़ेगा, इस O नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, हाइड्रोक्सी आएगा, ठीक है, और इधर ये क्या बन जाएगा, NH, और इसके आगे का मॉलिक्यूल सेम, ठीक है। अब क्या होगा कि एक कार्बन पर हमने यहाँ पर क्या है, ये ऊपर नीचे दोनों क्या है, हाइड्रोक्सी है, ठीक है, इधर भी ये क्या है, ये एसिडिक ग्रुप है, तो एसिडिक ग्रुप का ये हाइड्रोक्सी वाला है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड हमारा किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। यानी यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल हम बाहर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एक H2 और एक O, इस तरह से नहीं निकलता, मैकेनिज्म थोड़ी अलग होती है, लेकिन हमने यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाला तो हमारे पास बना क्या, इन दोनों की रिएक्शन हुई, इससे क्या बना, ये हमारा ग्लाइसिन है, इसका C डबल बॉन्ड O, इसका बचा NH, ठीक है। ये हमारा एलिनीन था CH3 और COOH, ये बन गया। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ग्लाइसिन की एलिनीन के साथ तो हमें ये मिलता है, ये क्या है हमारा, डाइपेप्टाइड। अगर दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। दो अमीनो एसिड अगर आपस में जुड़ते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड कहते हैं, और इसके बीच में जो बंद बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंद, ठीक है। और पेप्टाइड बॉन्ड की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, जहां पर C डबल बॉन्ड हो, यानी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमीन ग्रुप NH, वो हमारा क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो अगर दो अमीनो एसिड मिलकर रिएक्शन करते हैं तो इनका क्या होता है, ये कंडेंस हो जाते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, आपका एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बंद बनता है, और पूरा मॉलिक्यूल डाई पेप्टाइड बनता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डाई पेप्टाइड। इसके अंदर जब इसका नाम लिखते हैं तो नाम किस तरह से लिखते हैं कि जैसे जैसे आपके अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे उसका नाम भी वैसे वैसे ही आपका चलता जाएगा। इस डाई पेप्टाइड का नाम क्या होगा, ग्लाइसिन एलेनिन, ऐसे, ठीक है। इस डाई पेप्टाइड का नाम, ये जो डाई पेप्टाइड बना इसका नाम क्या होगा, ग्लाइसिन एलेनिन। कि जितने जो जो अमीनो एसिड आपके जुड़ते जाएंगे उसको आप लाइन से लिखते जाओ, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, उस डाई पेप्टाइड का। अगर तीन अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, ट्राई पेप्टाइड होगा। तो ट्राई पेप्टाइड में तीनों अमीनो एसिड के लाइन से नाम लिखो तो वो हमारे ट्राई पेप्टाइड का नाम हो जाएगा। ट्राई पेप्टाइड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे, दो बनेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास नंबर जो है अमीनो एसिड का वो दो से लगभग 100 तक है तो वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे पेप्टाइड कहलाते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अगर हमारे पेप्टाइड दो अमीनो एसिड से बन रहे हैं तो डाई पेप्टाइड, तीन से बन रहे हैं तो ट्राई, चार से बन रहे हैं तो टेट्रा, तो आगे हम 100 तक नाम नहीं दे सकते। तो अगर हमारे पास चार या पांच के बाद में अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। सिंपली हम क्या बोल देते हैं उसको, पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं, कि ऐसे मॉलिक्यूल जहां पर अमीनो एसिड के
दो से लेके 100 तक के जो मॉलिक्यूल है वो आपस में कंडेंस होके पेप्टाइड बंड के थ्रू जुड़ रहे हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड के अंदर हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, जितने आपके एमिनो एसिड जुड़े उससे एक कम। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज और कि इनका नाम किस तरह से लिखेंगे, कि जितने भी अमीनो एसिड आपके पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हुए जा रहे हैं आप उन अमीनो एसिड का नाम लाइन से लिखते जाओ, वो आपका नाम हो जाएगा उस पॉलीपेप्टाइड का। लेकिन अगर यहाँ पर अमीनो एसिड की संख्या जो है वो 100 से ज्यादा हो जाती है तो वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अगर अमीनो एसिड की का जो नंबर है वो 100 से ज्यादा हो जाता है, मतलब क्या कि 100 से ज्यादा अमीनो एसिड आपस में अगर जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड नहीं रहता, वो प्रोटीन बना देता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर और भी कई तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाती है, उपस्थित हो जाती है, और ये क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्म ले लेता है, प्रोटीन का रूप धारण कर लेता है। और प्रोटीन जो है उसको हम उसके अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि प्रोटीन के अंदर कौन कौन से टाइप के बॉन्ड मिलते हैं। पॉलीपेप्टाइड में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स ही मिलेंगे, ठीक है, लेकिन प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स आपको मिलते हैं। तो ये हुआ, इसको देख के हमें ये चीज पता चल गई कि ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड होते हैं। यानी अमीनो एसिड आपस में जब रिएक्ट करते हैं, कंडेंस होते हैं, तो अमीनो एसिड से बनते हैं क्या, पेप्टाइड, पेप्टाइड से क्या बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से आगे क्या मिलता है हमें, अमीनो एसिड, सॉरी प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो हमारी यूनिट क्या हुई, प्रोटीन की, अमीनो एसिड। इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, कि अगर जो सबसे छोटी यूनिट है वो हमारी क्या है, अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो पेप्टाइड्स बनाते हैं। ठीक है, पेप्टाइड कहां तक बनेगा, 2 से 20 तक मान लो, कि अगर आपके अमीनो एसिड की संख्या जो है वो क्या है, 2 से 20 तक है, तो वो क्या बनाएगा, पेप्टाइड बनाएगा। अगर अमीनो एसिड की संख्या जो है वो क्या है, 20 से 100 तक है, तो वो क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। ठीक है, और अगर अमीनो एसिड की संख्या 100 से ज्यादा होगी तो वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो आपकी प्रोटीन की यूनिट या इकाई क्या है, यहाँ पर अमीनो एसिड है। ठीक है, और उनके बीच में कौन कौन सा बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और पेप्टाइड बॉन्ड की स्ट्रक्चर क्या होती है, कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है एमीन ग्रुप यानी NH के साथ। ये आपके क्या होती है, पेप्टाइड बॉन्ड की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये हो गया, ये क्या है, ये पेप्टाइड का जनरल इंट्रोडक्शन था, पेप्टाइड क्या होते हैं, पेप्टाइड से क्या बनते हैं, पेप्टाइड का नामकरण कैसे करते हैं, कि जिस तरह से आपका अमीनो एसिड्स लिखे जाएंगे वैसे ही आप उनके नाम लिखते जाओ तो वो आपके पेप्टाइड का नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो, कि अगर हम कोई भी पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड के अंदर क्या होते हैं, 2 एंड्स होते हैं। ठीक है, 2 एंड कैसे होंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ग्लाइसिन का और एलिनिन का। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, जो आपका ग्लाइसिन था उसका तो हमने लिया था कौन सा पोर्शन, एसिडिक। ठीक है, और जो एलिनिन था उसका हमने लिया था बेसिक। उनको आपस में रिएक्ट करा के हमने क्या किया था, अमीन डाइपेप्टाइड बनाया था। ठीक है ना, तो आपका दोनों तरफ, दोनों डाइपेप्टाइड बनने के बाद में दोनों तरफ क्या होता है, एक एक जो सिरा है वो क्या रह जाता है, खाली रह जाता है। इस तरह से देखो, ऐसा ये हमारा क्या है, डाइपेप्टाइड है। ठीक है, क्या नाम है ये, ग्लाइसिन एलिनिन। ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो 2 एंड है इसके, एक एंड है ये वाला। ठीक है, और एक एंड है ये वाला। इस एंड के ऊपर आपके पास क्या है, एमीन ग्रुप है, यानी नाइट्रोजन एंड है ये, और ये वाला जो एंड है इसके ऊपर क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी ये क्या है, कार्बन एंड है, यानी कार्बन सिरा है। एक नाइट्रोजन सिरा होगा, एक कार्बन सिरा होगा। तो जितने भी आप
पेप्टाइड बनाओगे, पॉलीपेप्टाइड बनाओगे, प्रोटीन बनाओगे, सबके अंदर दो सिरे आपको मिलेंगे, एक नाइट्रोजन एंड मिलेगा और एक कार्बन एंड मिलेगा, ठीक है। हर पेप्टाइड प्रोटीन के अंदर आपको ये दोनों एंड मिलने वाले हैं, एक एंड आपका क्या होगा कार्बन एंड और दूसरा एंड क्या होगा नाइट्रोजन एंड होगा, ठीक है। अब ये जो दोनों एंड है ये भी क्या होते हैं, अगर इन्हें हम क्या करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर लेते हैं तो ये एंड जो है ये भी हमें कहाँ पे मिलते हैं, आयनिक फॉर्म यानी ज्विटर आयनिक फॉर्म के अंदर मिलते हैं, ठीक है। इनको अगर एक साथ ले रहे हैं तो ये हमेशा किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे, ये भी सिंपल अमीनो एसिड की तरह ही ज्विटर आयनिक फॉर्म के अंदर हमें मिलेंगे, ठीक है। तो पेप्टाइड जो होते हैं या प्रोटीन जो होते हैं उन सबके दो एंड होते हैं, एक कार्बन एंड होता है एक नाइट्रोजन एंड होता है, और ये दोनों हमेशा ज्विटर आयनिक फॉर्म के अंदर मिलते हैं। ज्विटर आयनिक फॉर्म मैंने आपको बताया जिसमें क्या होता है दो आयनिक फॉर्म एक साथ में मिलती है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक कैटायनिक होती है और एक एनायनिक होती है, ठीक है। अब देखो एक चीज और, हाँ, अगर ये ज्विटर आयनिक फॉर्म के अंदर है और दोनों ही आयन्स की अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो मतलब ये क्या होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ भी मिलेगा हमें पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर भी, ठीक है। सेम चीज है, जैसे आपने अमीनो एसिड के अंदर पढ़ी वैसे ही इसके पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड इनके अंदर भी आपका क्या मिलेगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में एक चीज और कि अगर हम पॉलीपेप्टाइड की स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड में क्या होता है कि सारे जो पेप्टाइड बोन हैं वो क्या होते हैं प्लेनर होते हैं, समतलीय होते हैं, ठीक है। समतलीय किस तरह से होते हैं कि ये आपका पेप्टाइड बोन है, ठीक है, इन दोनों में क्या है ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन और जो कार्बन है ये क्या करते हैं एक तरह से समतलीय स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2D के अंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्या करते हैं 2D के अंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनके बीच का एंगल जो है वो लगभग क्या होता है 120 डिग्री के आसपास रहता है। अगर हम ये कार्बोनिल की बात करें ये जो एंगल है ये लगभग 120 डिग्री के आसपास होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनके अंदर, जैसे एक 119 हो गया, एक 118 हो गया, एक 122 हो गया, इस तरह से, ठीक है। लेकिन लगभग क्या होते हैं ये 120 डिग्री पर ही होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर इनकी, ठीक है। अगर हम NH की बात करें तो ये NH जो है ये भी क्या होता है लगभग एक तीन एंगल जो है, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे ऐसे, ये जो तीन एंगल है ये लगभग 120 डिग्री का ही देते हैं, ये भी क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, त्रिकोणीय समतलीय स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो यानी जो हमारे पॉलीपेप्टाइड्स हैं या जो पेप्टाइड बोन्स हैं वो क्या होते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर के होते हैं, जितने भी पेप्टाइड बोन्स बनते हैं उसमें क्या होते हैं प्लेनर या समतलीय होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक और एमीन ग्रुप दोनों में ही जो बोन्ड एंगल है वो 120 डिग्री के लगभग होता है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस होता है, पूरा 120 नहीं होता। अगर हम एमीन ग्रुप की बात करें तो उसका एक एंगल 123 डिग्री, एक 123 और एक 114 ऐसा होता है, टोटल मिला के 360 होता है, लेकिन लगभग 120 डिग्री कह सकते हैं हम। तो ये क्या होती है त्रिकोणीय समतलीय स्ट्रक्चर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है एक तरह से इनकी, ठीक है। तो ये क्या होंगे ठीक है, तो हमारी ये क्या होती है पॉलीपेप्टाइड जो होती है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। अब क्या है पेप्टाइड सिंथेसिस जो होता है उसके अंदर मतलब जो पेप्टाइड की रिएक्शन है वो क्या होगी किस तरह से होगी वो देखो। पेप्टाइड की रिएक्शन में क्या होगा कि जैसे हमने ये एक पेप्टाइड बना दिया, ठीक है, इस एक पेप्टाइड की रिएक्शन इसी दूसरे पेप्टाइड से करवाते हैं तो क्या होगा इसका ये जो नाइट्रोजन एंड है वो लिखेंगे इस कार्बन एंड के आगे और यहाँ पर एक और पेप्टाइड बोन बन जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमारे क्या बनते जाएंगे पॉलीपेप्टाइड्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन किस तरह से होती है कि ये रिएक्शन करने के लिए हमारे पास क्या है इस पॉलीपेप्टाइड के अंदर दो एंड है, एक कार्बोक्सिलिक है और एक एमीन है, ठीक है। दूसरे पॉलीपेप्टाइड की या डाइपेप्टाइड की इसके साथ रिएक्शन करवानी है तो उसके ऊपर भी दो सिरे हैं, हम क्या करते हैं इसके इस सिरे की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ दूसरे डाइपेप्टाइड के नाइट्रोजन सिरे के साथ इस NH3+ के साथ,
ठीक है, इस तरह से ये एक डाइपेप्टाइड, ये दूसरा डाइपेप्टाइड, इसकी आपस में रिएक्शन करवाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ये आपका टेट्रापेप्टाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन जब भी करवाते हैं तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इस एमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है, इस एमीन ग्रुप को क्या करना पड़ता है, हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, सुरक्षित करना पड़ता है, इसको सुरक्षात्मक समूह से जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो आपके पास इस डाइपेप्टाइड के अंदर सिर्फ एक ही सिरा बचेगा, कौन सा, कार्बन एंड। तो अगर हम बाहर से दूसरा डाइपेप्टाइड इसके अंदर मिला रहे हैं तो इसका नाइट्रोजन सिरा ही आके अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक के ऊपर अटैक नहीं करेगा, नाइट्रोजन वाला करेगा कार्बोक्सिलिक के ऊपर, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या है, एक डाइपेप्टाइड को लेना है, उसके एक सिरे को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके प्रोटेक्शन के लिए हम कौन कौन से मॉलिक्यूल काम में लेते हैं, तो एक होता है हमारे पास कार्बोबेंजोक्सीक्लोराइड, ठीक है, एक तो होता है कार्बोबेंजोक्सीक्लोराइड, ये क्या करता है, इस तरह से होता है, ये C6H5OCO CH3OCO CN, ठीक है। कार्बोबेंजोक्सी यानी ये क्या है, C6H5CH3 है, ठीक है, कार्बोबेंजोक्सी क्लोराइड है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या करेगा, ये एक नाइट्रोजन वाले एंड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम जब दूसरे डाइपेप्टाइड को इसके अंदर डालेंगे तो ये जो सिरा है ये ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो रिएक्शन कहाँ पे होगी, इस कार्बोक्सिलिक सिरे के ऊपर होगी, ठीक है। इसी तरह हम यूज करते हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हैं जो हम यूज करते हैं किसी भी एक ग्रुप को, इन दोनों में से किसी भी एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, और उसके बाद में हम दूसरे डाइपेप्टाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपकी पेप्टाइड सीरीज का इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब ये प्रोटेक्शन कैसे होता है, ये कौन कौन से कंपाउंड हम प्रोटेक्शन के लिए काम में लेते हैं और इसकी रिएक्शन कैसे होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है।